बड़की दी, कांग्रेचुलेशन। अरे आइए आइए, अरे फुल इंतजाम है गाड़ी का। अरे सफर लंबा है, आइए। कौन है ये सब? बॉबी और उसके दोस्त गुंडे। अरे मन तो करता ना कि फोन उठा के ही पटक दे। तुमको अभी अड़ी साजो ना थरे। ये भोले बाबा कहाँ हैं ये लोग? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग घर पहुंच गए हैं, हम यहाँ पागल की तरह मंडरा रहे हैं? हाँ हो सकता है ये लोग घर पहुंच गए। हम गुंडे लगते हैं। अरे नहीं 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 भैया जी, हम तुम्हारे वजह से हुए हैं गुंडे। ए लव, पता ही नहीं तुम अपनी सिस्टर को, हम कहा लगते हैं तुम्हारे हैं? जो भी लगते, फिलहाल तो तुम एक नंबर सरक्षा गुंडा लग रहे। कौन देता है ये सब आइडिया तुमको? अरे ये आइडिया हमारा ही है। पहला वाला आइडिया किसका था? गोल्टन। बताया नहीं तुमको रुमालवा हैं? ऑनलाइन शॉपिंग का सारा सामान ला देते तुम्हारे रेसिडेंस पे। तो तुम्हारे लिए पानी भी तो हम ही भिजवाए थे ना भाई। कि हमारे घर के दरवाजे पे अगर कोई कुत्ता भी आता है ना, हम लोग पानी पिलाते। सोला है या बिजूरिया, पर छुटंकी है अंबरिया। का है ना ये गुस्सा है ना तुम्हारा? अरे इसी पे तो हमको लव है रे, इसी पे। टोटल फिल्मी मार दिया बॉबी भैया, फिल्मी। तुमको लव हो या मोशन, बेटा सच कह रहे, रास्ता छोड़ो, नहीं तो आज पिटाई तुम्हारा तय है। अच्छा मार पीट वाला बात है ना, हमको अच्छा नहीं लगता। तू कहा है कि हमारा आइडिया सुनो। हम सोचे कि हमारी जान छुटंकी हमसे मिलती का है नहीं, नंबरों गलत दे दिए। हम सोचे चेक कर ले। अच्छा मजाक था। बहुत अच्छा मजाक था। बड़की दी का नंबर है। अच्छा है, खैर कोई बात नहीं, मजाक अच्छा था। गाड़ी का इंतजाम किए हैं, एसी फुल है, खाना पीना सब है अंदर। यहां से निकलेंगे गोपालगंज, बेतिया होते बॉर्डर क्रॉस, और वहां होगी पिकनिक और हमारी शादी। और हम लोग बराती और बहन लोग सारथी। बड़की दी मजली दी चलो। ए, अरे ए गोल्टन, बबलू बैठाओ भौजी को गाड़ी में बिठाओ बिठाओ। अरे भौजी चलिए ना। पुरन का मार भूल गए क्या?
आ रहा है नहीं बिठा रहा बता बया कहा है वो लोग मैं कर बता हमको नहीं मालूम है मालूम है हाँ छोड़ा था उनको ये बता मुझे वो मसूदपुर चौराहे पे हम उनको बोले भी कि हम उसके घर छोड़ देते हैं और हम वहीं रुक जाएंगे छुटंकी मना कर दी और बोली कि तुम यहीं रुको हम जब तक हम उधर से आ नहीं जाते ये इधर उधर क्या कर रहा है ये बता कि वो है कहाँ अरे इधर क्या देख रहा है कुकर इधर देख मेरी तरफ क्या वो कहाँ है तीनों वो उनकी दोस्त है नित्या उसकी शादी तय हो गई है तो उसकी पार्टी है वहीं गई है गर्ल्स ओनली हैंड पार्टी बोली थी ना वो बोली थी ना हैंड पार्टी तुम्हें मालूम था पार्टी के बारे में सच बोलना वो बोली कि क्या बोली आपको बोली थी पर आप माथा मत खराब करो बोल के तो क्या बाप मना करेगा तो बेटियां मनमानी करेंगी बाप मना करेगा तो दोपहर रात पूरे शहर भर में बटरगस्ती करेंगी मना करेगा तो और क्या क्या करेंगी बोलो ये कैसी बात कर रहे हैं आप अब ये सोचिए कि वो कहाँ है किस हाल में है कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो छोटंकी तो किसी भी मुसीबत से लड़ सकती है जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी जय मां भवानी ए बबलू मार उसको ए बिटा बिटा गाड़ी गाड़ी में बिठाओ गोल्टन मार दूँगा फाइट अरे दो तो हम ही खा गए बॉबी भैया अरे बहुत तेज हाथ चलता है इसका अरे पसली का हड्डी खिसक के आ रहे बॉबी भैया अभी देख हम क्या क्या खिसकाते हैं वो नई खबर वो कहाँ लड़की है गदेला जैसन ढूंढ रही है ले ले वीडियो बना दरोगा को फोन करते अरे दरोगा साहब जागो मुना चक से बंटी पत्रकार अरे सुभाष मार्ग में यहाँ कांड हो गया जल्दी आइए कहाँ पीट रही है यार अरे ओ मैया रे Ah!
बॉबी भैया का माता फट गया रे। अरे भाग रे बबलू भाग। पुलिस आ चुकी है। भयानक मारामारी में एक लड़की ने चार लड़कों की कर दी पिटाई। पब्लिक हैरान है। मैना चक में आज तक ऐसा भयानक मंजर ना देखा गया है ना कभी देखा जाएगा। कौन है ये लड़की, कहां से आई है, कहां रहती है? मैं कैमरामैन फोकस के साथ बंटी बेखबर, जागो मैना चक जागो, जल्दी से ये वीडियो वायरल कर। कमाल है ये लड़का भी। किसको फोन लगा रहे हैं? अरे कैलाश को फोन लगा रहा हूँ, उन्होंने पिक कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मुंबई से यहाँ शादी अटेंड करने आया कि पटना टहलने। गैरी कुगैरी में बेटा बच्चा काम आता है, पर मेरा भाग्य देखो, बेटिया शहर में डोल रही है और बेटा पटना में है, उपलब्ध कोई नहीं है। अब पुलिस को काहे नहीं फोन करते? अरे माइंड खराब हो गया तुम्हारा, बेटिया लापता है, पूरे शहर को बताना चाहती हो? अरे बड़की का शादी है, भूल गई क्या? हम जाकर फिर ढूंढ के लाते हैं ना उनको। पुलिस, छुटकी पड़की पजली कहा थे तुम लोग, हम कितना परेशान हो गए थे हम लोग। अरे बच गई आपकी बेटिया, वो भी आपकी इस लड़की के चलते। चार गुंडों से अकेले लड़के इसने सबको बचा लिया। क्या पिटाई की है इसने, मानना पड़ेगा। अपने 10 साल की नौकरी में हम ऐसी लड़की नहीं देखे। अच्छा ठीक है, अब हम निकलते हैं। वो थाना में लड़का लोग के खिलाफ। लड़का? कौन लड़का? अरे वो शकुनी ठाकुर का बेटा बॉबी और उसके साथ उसके 3 दोस्त। उन लड़कों को ना मार के। अरे ज्यादा उत्तेजित होने का जरूरत नहीं है, माथा फोड़ दिए हैं उसका, हॉस्पिटल में है और 3 फरार हैं, पुलिस लगी है पीछे। वैसे कल इनको स्टेटमेंट के लिए थाने आना होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो फोन कीजिएगा। हम श्याम श्रीवास्तव, थाना इंचार्ज मूनाचक। अच्छा चलते हैं। वैसे हमारे बस में होता ना तो आपकी बेटी को वीरता का पुरस्कार देते। वो गुंडा लोग आपकी बेटी को किडनैप करके बॉर्डर पार ले जाने वाले थे, लेकिन ये लड़की ने खुद बच गई और सबको बचा लिया। मानना पड़ेगा बहुत हिम्मत है आपकी बेटी में, शाबाश। अब हम चलते हैं। चल हम लोग ठीक है। पापा आपको सॉरी बोलना था। नहीं पापा जी, उसके साहस का
इस तरह से अपमान मत कीजिए। चार दिन की मेहमान हो, हमने गार्जियन बनने की कोशिश मत करो। सॉरी नहीं, सॉरी वाला गाली मत देना अपने बाप को। बेवकूफ समझती हो अपने बाप को? कुछ भी बोलोगी, कुछ भी करवाओगी, भूल जुलूल बकोगी। मजाक कर रहा हूं मैं। और क्या सॉरी बोलेंगे हम? तुमको सॉरी बोलेंगे? माफी तो आपको मांगनी होगी। अब हाथ कैसे उठाए मेरी बेटी? बोलना पड़ेगा सॉरी आपको। सामान बांधो इसका। कल सुबह निकलेगी ये। क्या बोल रहे आप? कहाँ जाएगी? कहाँ निकलेगी? साहिबगंज, सीना जी के घर। जब तक बड़की का शादी नहीं हो जाता ना, तब तक ये लड़की वहीं रहेगी। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी। नहीं जाएगी तो ब्याह भी नहीं होगा, सोच लो। अगर सुबह 7 बजते बजते ये तैयार नहीं मिली तो हम खुद पांडे को फोन करके इस शादी को कैंसिल कर देंगे। ये क्या बोल रहे हैं पापा? इसे कैसे हो सकता है? अरे चुप करो तुम। झूठ तो तुम लोग बोलियो। तुम तो चली इस घर से ब्याह के। अच्छा है, झूठ और बोझ दोनों टलेगा। हम सोचे थे तुम पढ़ने वाली लड़की हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ चरित्र बल भी जरूरी होता है। बहुत निराश किया था आपने। और ये कुत्ता को पोसने पे कुत्ता कुत्ता ही रहता है। पापा, ये सब क्या है पापा? पूरे शहर में हल्ला हो रहा है। नाक कट गया हमरा। पता नहीं किन गुंडे मवालियों से लड़के उलझ गई है ये लड़की। पुलिस लेकर आई है इनको इधर। पर शहर में हल्ला तो कुछ और ही है। क्या यही कि एक लड़की ने 4 लौंडों को धो डाला? वीडियो नहीं देखे आप? देखिए, वीडियो भी बन गया। हे भगवान, घर की लड़की सारे शहर का मनोरंजन तमाशा बन गई। और तुमको ये बात तारीफ करने वाला और बहादुरी का दिख रहा है? नहीं बेटा, ये जो 24 घंटे एंटरटेनमेंट देखने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए ये झगड़ा, ये वीडियो, ये सब असली मनोरंजन है। 4 लड़का, 1 लड़की। प्लीज पापा, ऐसा मत बोलिए। आपको सूट नहीं करता। तो उन तीनों को सूट करता है, बताओ हमी को। अरे हमारी बिना परमिशन लिए हमको झूठ बोल के वो लड़की चली गई। और पता कौन लेके गया? जिसको तुम थप्पड़ मारे थे, वो रुमलवा, वो ड्राइव करके ले गया इन तीनों लड़कियों को उस पार्टी में। ये सब सूट करता है। सॉरी पापा, हम सुने तो हम भी हैरान रह गए। 2 सर्जरीज थे इसलिए दोपहर में नहीं आ पाए। शाम को जब ओटी से बाहर निकले तो कई लोग, स्टाफ छुटंके का वीडियो देख रहे थे। आप सही कह रहे हैं, इस शहर के लिए ये घटना कारनामा नहीं, तमाशा है। छुटंकी को भी मेडल नहीं मिलेगा, बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अब तो जो हुआ सो हुआ, हमको तो एक ही फिक्र है, वो लड़का वाला, वो चुचुंदर पांडे।
अरे फिर कोई बखेड़ा खड़ा ना कर दे, शादी में फिर कोई व्यवधान ना कर दे। अब सोच लिया हमने, हम इस समस्या की जड़ को यहां से उखाड़ ही देंगे। जड़? कौन जड़? छुटंकी। और कौन? हम कल उसको लेके साहिबगंज जा रहे हैं, हमारे दोस्त मिस्टर सीना के घर। अब छुटंकी वही रहेगी शादी होने तक। हाँ पापा, साहिबगंज का फैसला सही है। इधर हम देख रहे हैं कि हर रुकावट के पीछे छुटंकी है, उसी क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता।